7th standard students. Last in last lecture we had already learned neap tide, then after spring tide, ये सब हम लोग learn कर चुके हैं, right? Now we are going to understand about the new concept that is inner tidal range. Inner tidal range क्या होता है दिखते हैं? The difference in water level of high tide and low tide is called a tidal range. मतलब हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो टाइडल रेंज होता है, जो डिफरेंस होता है वाटर लेवल का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइडल रेंज. इन ओपन सीज द रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर. हाउ अवर टूवर्ड द कोस्टल एरिया इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. इज दिस क्लियर? तो अगर इंटर टाइडल रेंज किसी ने पूछा, व्हाट डू मीन बाय इंटर टाइडल रेंज, बताने का डिफरेंस इन वाटर लेवल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड is called tidal range. In open seas the tidal range is about 30 centimeter. Okay, from here to till here the answer will be like that. The difference in water level of high tide and low tide is called tidal range. In open seas the tidal range is about 30 centimeter. Is this clear? The next question is, what are the effect of tide? With the high tide fish move in creeks and this help fishing activity. High tide ki wajah se fish kya hota hai, creeks mein aate hai, aur isse fishing activity achhi hoti hai. Next is, tides clear the waste and hence the coast become clean. Tide की वजह से coast जो है, area जो है clean हो जाता है. Ports do not get filled with sediments. Ports में sediments नहीं रह जाते. Ships can move up the ports during high tide. High tides की वजह से ship जो है आगे बढ़ सकते हैं. During high tide sea water can be stored in salt pans from which salt can be obtained. High tide की वजह से sea water जो है pan में जमा कर सकते हैं. टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टाइडल फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. टोटल 4 से 5 पॉइंट लिखना है. पहला पॉइंट वापस रिपीट करो. तो फर्स्ट पॉइंट इज, विद द हाई टाइड फिश मूव इन टू द क्रिक्स एंड दिस हेल्प इन फिशिंग एक्टिविटी. फिश जो है क्रिक्स में आता है, इससे फिशिंग एक्टिविटी बढ़ती है. द टाइड्स क्लियर द वेस्ट एंड हैंस द कोस्ट बिकम क्लीन. टाइड्स जो है क्लियर हो जाता है और वेस्ट भी क्लियर हो जाता है. पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विद सेडिमेंट्स. पोर्ट में सेडिमेंट नहीं रहता है. सिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड. हाई टाइड की वजह से सिप जो है पोर्ट्स में जाता है. ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैन. सी वाटर को कहाँ जमा कर सकते हैं? सॉल्ट पैन में जमा कर सकते हैं. फ्रॉम विच सॉल्ट कैन बी ऑप्टेन, जिससे हम लोग को सॉल्ट मिलेगा. टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टाइडल फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Next question is, what do you mean by waves? The sea water gets pushed by the wind and ripples are generated on water surface, that is called waves. Sea water get pushed by the wind. Sea water जो है हवा के द्वारा push किया जाता है. And ripples are generated on the water surface. और ripples generate होता है water surface में, इसी को बोलते हैं waves. इसको क्या बोलते हैं? Waves. Sea water moves up and down और स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यू टू द वेव्स. सी वाटर जो है अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है. किसकी वजह से? वेव्स की वजह से. द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेंट इन देम टू द कॉस्ट. वेव्स क्या करते हैं? एनर्जी लाते हैं. द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेंट इन देम टू द कॉस्ट. वेव्स में, वेव्स की वजह से, वेव्स जो है एनर्जी, वेव्स के अंदर एनर्जी होता है जो कॉस्ट में आता है. इज दिस क्लियर? दे ब्रेक इन द सैलो वाटर्स नियर द कॉस्ट. कॉस्ट के पास आके वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है. पूरा समझा? द सी वाटर गेट पुश्ड बाय द विंड एंड रिपल. सी वाटर जो है विंड और रिपल पुश करते हैं, जनरेट ड्यू टू वाटर सर्फेस. और कहाँ पर जमा होता है? वाटर सर्फेस में. दीज आर कॉल्ड वेव्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स. वापस रिपीट करो. सी वाटर गेट पुश्ड बाय द विंड. सी वाटर जो है विंड जो है धक्का देते हैं. विंड जो है, विंड की वजह से सी वाटर पुश होते हैं. एंड रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सर्फेस. और पानी के ऊपर रिपल्स जमा होते हैं, वेव्स जमा होते हैं. मतलब अलग अलग टाइप के मूवमेंट जमा होते हैं. दिस इज कॉल्ड वेव्स. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव्स. सी वाटर मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली फॉरवर्ड बैकवर्ड ड्यू टू वेव्स. वेव्स की वजह से सी वाटर क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है. वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेंट इन देम टू द कॉस्ट. वेव की वजह से एनर्जी आती है पानी में, जो कॉस्ट में रहता है. इज दिस क्लियर? दे ब्रेक इन द सैलो वाटर नियर द कॉस्ट. कॉस्ट के पास आके वो लोग पानी में, छोटे छोटे पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं. इज दिस क्लियर? क्वेश्चन इज, दिस 3 क्वेश्चन आंसर यू टू प्रिपेयर. वट इज वेव्स? एक्सप्लेन इट लेटर. राइट, जिसका आंसर हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली देखा. राइट, दिस विल बी द आंसर. द सी वाटर से लेके वेव्स तक, और सी वाटर से लेके वेव्स तक, द वेव्स से लेके कॉस्ट तक. राइट,
वापस बोल रहा हूँ, द सी वाटर से लेके वेव्स तक, द सी वाटर से लेके वेव्स तक सेकंड पॉइंट, वेव्स से लेके कॉस तक, ठीक है। तो दिस थ्री पॉइंट यू हैव टू राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टाइड, टाइड का इफेक्ट क्या होता है। द आंसर इज गिवन हियर, इफेक्ट ऑफ टाइड पहला पॉइंट इधर है एंड दिस विल बी द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, टोटल सिक्स पॉइंट यू टू राइट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज इंटरटाइडल रेंज, इंटरटाइडल रेंज का मतलब क्या। द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन यहाँ से लेके इंक्रीजिंग तक लिखना है, यहाँ से लेके इंक्रीजिंग तक, एक फुल स्टॉप एक पॉइंट, यहाँ से लेके एक पॉइंट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दो पॉइंट, और यहाँ ओवर से लेके इंक्रीजिंग तक थर्ड पॉइंट। इज दिस क्लियर? इफ़ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क, यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस थ्री क्वेश्चन। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।